Welcome back, traders. I'm Varun. Having a decade-long experience of working with institutional funds, a hedge trading expert and expiry specialist. In this particular video, we are going to structure up the swing series, okay? And swing series ka next hamara counter rahega Dabur ka. And isko is video ke andar mein pehle hum sara analyze karenge, iske sare data structures pe we are going to go through all the data, all the structures and each and everything, okay? एंड डेटा स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के बाद वी आर गोइंग टू इम्प्लांट दी स्ट्रक्चर्स बैक टू द लाइक आर ट्रेडिंग लाइक टर्मिनल्स एंड ऑल एंड उसको फिर हम प्राइस एक्शन के साथ में कनेक्ट अप करेंगे एंड इसकी पिकिंग करेंगे हम लोग ऑर्डर फ्लो एनालिसिस एंड प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ में इस डेटा की, ठीक है? एंड प्रोबेबली अ सिक्स लेग हेज ट्रेड इसके अंदर में हम फॉर्म करेंगे कमिंग मंडे को, जिसके अंदर में जो ट्रेड फॉर्मेशंस होगा दैट विल बी जनरेटिंग एन आरओआई ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 3.73 लाख. एक्सपेक्टेड आरओआई इसके अंदर में हमारा 10.08% का रहने वाला है. रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:7 की रहने वाली है एंड दिस विल बी द नेक्स्ट ट्रेड आफ्टर आर लाइक 14-15 स्विंग ट्रेड जो अभी तक हमने किए हैं विद एन एक्यूरेसी ऑफ मोर देन 90% एंड ऑल. स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले हमको डेटाज को सीखना है इस स्विंग सीरीज में. व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू गेन इन इस कि स्विंग सीरीज के अंदर में सबसे पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि हमें डेटा एनालिसिस कैसे करना होता है, राइट? ठीक है, दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, राइट? ओके. और स्विंग सीरीज को हमने इसी तरीके से फोकस अप करना है कि जिसमें हम अपने डेटास को कैसे रीड करते हैं. एक व्यू बनाने से पहले हम लोग क्या चीज को स्टडी करते हैं, ठीक है, राइट? वो उसके अंदर में सारा क्या पैटर्न रहता है अलग अलग डेटास को स्टडी करने का, ठीक है? दैट आई एम गोइंग टू एलेबोरेट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो दैट विल बी अ वेरी पावरफुल वीडियो इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स कि हमें व्यू फॉर्म कैसे करना है. कोई काउंटर बुलिश है कि बियरिश है, उसका डेटा एनालिसिस, उसका प्राइस एक्शन एनालिसिस और उसका ऑर्डर फ्लो एनालिसिस कैसे किया जाता है, ठीक है? दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. तो स्विंग सीरीज का ये नेक्स्ट एपिसोड जिसके अंदर में हम डाबर को स्ट्रक्चर अप करने वाले हैं. ऑब्वियसली इसका ट्रेड यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट अप एंड गेट द ट्रेड्स डायरेक्टली फ्रॉम मी अलॉन्ग विद दिस एडजस्टमेंट्स एंड ऑल द प्रोसेस एंड ऑल इफ यू आर एलिजिबल टू एक्वायर द ट्रेड एंड ऑल. एंड नथिंग टू से ऑन दिस थिंग, इससे पहले आप वॉलंटियर एक्ट जरूर कर लेना इस स्ट्रक्चर से को ट्रेड फॉर्मेशन करने से पहले एंड देन यू कैन कनेक्ट अप डायरेक्टली विद मी. सो लेट्स प्रोसीड विद एनालिसिस. इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग डेटा एनालिसिस करेंगे एंड देन विल ब्रिंग ऑल दीज डेटाज बैक टू द प्राइस, ठीक है? फिर हम उसका प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे एंड फाइनल जब ट्रेड फॉर्मेशंस हो रही होंगी देन इस प्राइस एक्शन को ऑर्डर फ्लो एनालिसिस के साथ में कंपाइल करके विल पिक अप द ट्रेड्स और एक ऐसी लेग फॉर्मेशंस हम लोग करेंगे जिसके अंदर में रिस्क विल बी वेवे लिमिटेड, रिटर्न्स विल बी ओपन, ठीक है, राइट? मतलब उसके अंदर में एक्सपेक्टेड रिटर्न्स अप्रॉक्सिमेटली 10.39% के रहेंगे ऑन एवरेज, ठीक है? And this will be the structures for this Dabur analysis. So let's proceed with this thing. सबसे पहले किसी भी analysis का important part होता है उसका future OI build-up analysis, ठीक है? इस analysis के बारे में मैंने काफी बार details में बताया होगा कि इस analysis को कैसे करते हैं, ठीक है? तो I will directly proceed on the numbers. Long build-up formations इसके अंदर में 26442 है and short build-up formations हमारे पास 43791 है, right? ठीक है? तो इसके अंदर में last 20 days का अगर हम circulation देखते हैं तो करीबन 17,349 lots been sold off, right? Okay. And this means ki trend jo Dabur ka hai that is currently bearish, right? But kisi bhi counter ka trend bearish hone ka matlab ye nahi hota ki wo counter niche hi jayega. Uska matlab ye hai ki abhi tak uske andar mein selling aayi hai. But kisi bhi rise se pehle ek selling zarur aati hai, right? Theek hai. तो हमें ये देखना होता है कि आप वो सेलिंग का एंड है या वो सेलिंग अभी कंटिन्यू होने वाली है. दिस इज द पार्ट, राइट? ओके. सो शॉर्ट फॉर्मेशन इज लाइक 17349. अगर इसके हम स्ट्रक्चरल डाबर मैट्रिक्स को देखते हैं जिसके अंदर में ऑप्शन का चेंज, पी माइनस सी का चेंज और उसका भी चेंज विच वी कॉल एज ओआई चेंज ट्रेंड, इस पर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है? सो अगर इसके हम लास्ट कुछ सेशंस को देखते हैं, लास्ट 4-5 सेशंस को आप लिया करो बेसिकली इसके अंदर, ठीक है? ओवरऑल सेशन का स्ट्रक्चरिंग जो है दैट विल गिव यू द आइडिया कि 20 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर में ये चेंज नेगेटिव रहा है कि पॉजिटिव रहा है. ऑब्वियसली इट इज बियरिश, राइट? ठीक है. बट रिसेंट जैसे मैंने कहा कि वो ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होने वाला है या वहां पे पॉज लेने वाला है, इसका स्टडी हमें उसके रिसेंट डेज से पता चलेगा, राइट? ठीक है. तो रीसेंट स्ट्रक्चरिंग्स को अगर हम देखते हैं तो स्पॉट चेंज जो आया 23rd को दैट इज पॉजिटिव और पुट माइनस कॉल चेंज जो आया दैट इज नेगेटिव और इसका जो चेंज ऑफ ट्रेंड था दैट वाज नेगेटिव. सो दैट वाज एक्सट्रीमली बियरिश, मींस प्राइस हैज मूव्ड अप बट दिस वाज डेटा वाज नेगेटिव. सो दिस वाज एक्सट्रीमली बियरिश, राइट? ओके. इसमें जनरली आपका स्पॉट चेंज लेट्स से नेगेटिव है और अगर ओआई चेंज ट्रेंड ये भी नेगेटिव है, ठीक है, देन इट बिकम्स बियरिश.
अगर ये पॉजिटिव है स्पॉट चेंज एंड ओवरऑल चेंज ट्रेंड नेगेटिव है दैट बिकम्स एक्सट्रीमली बेयरिश. ओके एंड अगर ये स्पॉट चेंज इज पॉजिटिव एंड ओवरऑल चेंज ट्रेंड इज लाइक पॉजिटिव दैट बिकम्स बुलिश. ठीक है, और एक्सट्रीमली बुलिश कंडीशन भी समझ लेते हैं कि अगर स्पॉट चेंज हमारा नेगेटिव है एंड ओवरऑल चेंज ट्रेंड इज पॉजिटिव दैट बिकम्स एक्सट्रीमली बुलिश. ठीक है भाई, तो अभी इसके लास्ट फ्यू सेशंस के अंदर में डेटा हैज बीन लिटिल बियरिश. ठीक है, इसमें लास्ट टू सेशंस के अंदर में इट इज फॉर्मिंग अ बियरिश फॉर्मेशंस. ठीक है, सो एज पर द डाबर मैट्रिक्स द काउंटर लुक्स लिटिल बियरिश फॉर नाउ. ठीक है, बट लेट्स प्रोसीड विद फर्दर एक्शंस एंड ऑल फॉर द डेटाज एंड ऑल. ओके, अगर इसके हम प्राइस टू पीसीआर स्ट्रक्चर्स को देखते हैं सो दैट इज लाइक इसमें एक हमें एक इंपॉर्टेंट स्टडी समझ में आएगी कि इवेंचुअली इस सेक्शन के अंदर में वी नीड टू फाइंड डाइवर्जेंसेस. ठीक है, जैसे अगर हम इस स्पॉट को देखें तो प्राइस पीसीआर हैज मूव्ड अप, उसके बाद में लाइक इट दिस रेड लाइन क्रॉस द ब्लैक लाइन. ओके, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट वेयर एज द प्राइस वॉज मूविंग डाउन ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम. ठीक है, अगेन इट फॉर्म्ड अ डबल डाइवर्जेंस व्हेन द पीसीआर मूव्ड अप. ओके, एंड द प्राइस वॉज फॉर्मिंग द लाइक अ स्लाइटली लाइटर फॉर्म ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट. ये लाइटर फॉर्म जब एक डीप फॉर्म से एक लाइटर फॉर्म में आता है और ऐसा डाइवर्जेंस फॉर्मेशन हो रहा होता है तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड क्ल्यू फॉर अ स्पॉट चेंज फॉर द ट्रेंड चेंज. ठीक है, राइट, तो दिस वॉज द एरिया जहां से एक ट्रेंड का चेंज इसके अंदर में आया बिकॉज वी फॉलोड दिस स्ट्रक्चर इटसेल्फ इन दैट केस. तो दिस हैज हिस्टोरिकली हैपेंड ऑन दिस पर्टिकुलर टाइम, देन एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट ऑल्सो इट फॉर्म्ड अ डाइवर्जेंस. राइट, ठीक है, देयर वाज अ डाइवर्जेंस ओवर हियर एंड यहां से भी एक मेजर मूवमेंट काउंटर के अंदर में आई. और अभी अगर हम देखते हैं इस काउंटर के अंदर में ऑब्वियसली एक बियर रन रहा है नीचे, काउंटर इज मूव डाउन अलॉट. ठीक है, राइट, बट करेंटली अगर हम देखते हैं तो पीसीआर का प्राइस के साथ में एक डाइवर्जेंस फॉर्मेशन यहां पे था. ठीक है, एंड अगेन इस पर्टिकुलर पार्ट पे भी एक डाइवर्जेंस फॉर्मेशन है जो कि लेस स्लैंटर है, लाइक ये डीपली स्लैंटर था एंड दिस वॉज लेस स्लैंटर. ओके, राइट, सो दिस कैन बी एन एरिया जहां से दोबारा से एक रैली फॉर्मेशन ऊपर की तरफ में आ सकती है डाबर के अंदर में. ठीक है, राइट, सो दिस इज अ वेरी स्ट्रांगली बुलिश सिनेरियोज. एंड जब ऐसे सिनेरियोज बनते हैं ऑब्वियसली देर इज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज कि काउंटर कैन चेंज द ट्रेंड ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम. ओके, राइट, सो दिस बिकम्स अ लॉट बुलिश इटसेल्फ इन दैट केस. एंड ये इतना बुलिश फॉर्मेशन होता है कि ये ऊपर के दोनों डेटाज को भी ओवरकम कर सकता है बिकॉज those datas are subject for particular days and this is a combination of lot of days. ye formations koi ek din mein nahi banti hain, ek pure scenarios ko work up karne ke baad ye formations banti hain. so this is more important. okay, and jo upar ke datas hain they can change frequently, like for example agar wo abhi extremely bullish ya bearish chal rahe hain to next day they can become extremely bullish also. okay, so they can act as a trigger for us. okay, right, बट ओवरऑल पिक्चर कैन बी गेन फ्रॉम दीज काइंड ऑफ एरियाज एंड ऑल. ओके, इसको अपने स्टडी नोट पॉइंट्स में अपना नोट करके रखना. ठीक है, लेट्स गो टू द ऑप्शन वाई चेंज. ओके, इसकी जो चेन है इसका क्या स्ट्रक्चरिंग्स है, इस समय की क्या व्यूएबिलिटीज इसमें बन रही हैं. ऑब्वियसली कॉल रेटिंग ज़्यादा है, दिस इज क्लियरली विजिबल राइट नाउ. कॉल का एडिशन भी ज़्यादा है, दिस इज ऑल्सो क्लियरली विजिबल. तो एक हल्का सा बियर मूवमेंट सभी रह सकती हैं. ठीक है, राइट, although long term mein we are bullish in daba. okay, right, but hum ek right point pe snipe karenge using the order flow analysis jisme aisi leg ka formation hoga jiske andar mein risk will be almost negligible and returns will be way way high comparative to like the risk reward ratio will be like around 1 to 7. more than that, mere jitne bhi trade formations hote hain uske andar mein risk reward ratios pe hi mera focus rehta hai, accuracies pe mera focus nahi rehta hai. although they comes in because we are analyzing the data, we are analyzing the order flows, we are analyzing the price actions and all, the accuracy is a byproduct of that, but jo focus rahega that will be on risk reward ratios. and is trade ki bhi risk reward ratio more than 1:7, 1:8 hogi, so don't miss the trade. and this will be a very powerful trade for your trading structures and all. theek hai, obviously call writings hain. theek hai, और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो पुट राइटिंग्स भी इन लेवल्स के ऊपर में है, ऑन द लेवल ऑफ 530 एंड ऑल. ठीक है, बट ऑब्वियसली वो ओटीएम है और इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना कि हमारा एटीएम पे कॉल सेलिंग्स हुई हैं इस समय. तो हमें क्या वेट करना हो कि ये रीजन ब्रेक कर जाए, बिकॉज जो भी कॉल राइटर्स यहाँ के हैं, कॉल राइटर्स की एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि दे कैनॉट कीप देयर पोजिशंस
फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट? ओके, अगर 540 पे किसी ने कॉल राइट की हुई है तो 550, 560 से ऊपर उसको होल्ड नहीं करेगा, बिकॉज देन द कॉल विल बिकम इन द मनी एंड इन द एंड दे नीड टू कट ऑफ देयर पोजीशंस. ओके, राइट. तो वो जितने भी कॉल राइटर्स होते हैं, दे बिकम द कॉल बायर्स ऑन दैट टाइम. ओके, राइट. सो अगर कॉल राइटिंग काफी स्ट्रांग है तो आप उस लेवल को ब्रेक होने की वेट करो, राइट? अगर 540 भी काफी स्ट्रांग है तो उस लेवल को ब्रेक होने की वेट करो एंड देन नए पुट राइटर्स उसके अंदर में ऐड हो, दैट विल बी अ एडिशनल ट्रिगर, देन यू कैन एंटर योर पोजीशंस. ठीक है, राइट. सो दिस मेक्स सिनेरियोस कि अभी मार्केट्स में ट्रेंड डाउन है और थोड़ा और नीचे की तरफ बुलिशनेस आ सकती है, बियरिशनेस आ सकती है, बट अगर ये लेवल्स ब्रेक होंगे देन दैट कैन बी वे स्ट्रांगली बुलिश फॉर द मार्केट्स. किसी भी चीज, जब एक ट्रेंड डाउन के अंदर में कोई चीज होती है, उसको ट्रेंड चेंज करने के अंदर में टाइम लगता है. अभी ये इतने डाउन ट्रेंड में चल रही है तो इसको ट्रेंड चेंज करने में टाइम लगेगा, बट पॉइंट्स भी तो यही होते हैं जिन पॉइंट्स पे आपको कैप्चर करना है ट्रेड को. आपको इन पॉइंट्स पे कैप्चर करके थोड़ा ना कुछ मिल जाएगा. जब डेटास बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगे, बुलिश होंगे, तो इन पॉइंट्स पे कैप्चर करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, राइट? योर रिस्क रिवार्ड रेशियो विल कम इनटू दीस पॉइंट्स. ठीक है, तो आपको फोकस किन पॉइंट्स पे करना है? इन पॉइंट्स पे. ठीक है, जहां पे एक ट्रेंड चेंज होता है उसकी कंफर्मेशंस के बाद में देन यू कैन टेक अप द नेक्स्ट एंट्री फॉर्मेशंस इटसेल्फ इन दिस केस. ठीक है, तो वो सारा एनालिसिस करने के बाद में विल फॉर्म अप द ट्रेड एंड दैट 6 lakh ट्रेड विल बी शेयर्ड. ओके, राइट. और वो लर्निंग में भी हेल्प करेगा कि किस तरीके से इस ट्रेड का फॉर्मेशंस को लिया जाता है एंड उसकी एडजस्टमेंट स्ट्रक्चरिंग, दैट ऑल विल हेल्प यू अप इन योर ट्रेडिंग स्ट्रक्चर्स एंड ऑल. ओके, राइट. एलिजिबल के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? कि योर पोर्टफोलियो मस्ट बी गुड इनफ. अगर आपको ऑप्शन राइटिंग करनी है, पोर्टफोलियो मस्ट बी एटलीस्ट अबव 25L एंड आइडियली अबव 1 CR प्लस एंड ऑल. क्योंकि अगर प्रॉपर एडजस्टमेंट्स एंड स्ट्रक्चरिंग्स करनी है, सो द पोर्टफोलियो हैज टू बी टू दैट पर्टिकुलर लेवल्स इटसेल्फ इन दैट केस. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चरिंग्स. ठीक है, इसके अंदर में हम ऑप्शंस का चेंज देखेंगे कि किस तरीके से चेंज फॉर्मेशंस हुई कुछ लास्ट 20 सेशंस के अंदर में. ठीक है, एक आइडियोलॉजी बनती है. देखो, ये एक स्नैप है, राइट, जिसके अंदर में हम 15 टू 20 सेशन, फिर 10 टू 15 सेशन, ठीक है, 5 टू 10 सेशन एंड लास्ट 5 सेशंस, उनके आइडिया को ले रहे हैं. तो इससे हमें एक आइडिया मिल रहा है कि एक्चुअली में लास्ट 20 सेशंस में हुआ क्या, राइट? ठीक है, फिर उसका क्लब फॉर्मेशंस, जिसमें सारे 20 डेज का सेशंस का एक एनालिसिस है, उसको हम एनालाइज कर रहे हैं. तो दीज ऑल डेटास कंबाइंड टुगेदर विद द प्राइस एक्शंस एंड ऑर्डर फ्लो गिव यू द मैक्सिमम पावर इन सेलेक्टिंग द ट्रेड, राइट? एक सबसे स्ट्रांगेस्ट पावर तभी मिलती है जब सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट फोर्सेस को अपने साथ में आप रख रहे हो, राइट? ओके, तो अगर इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, इट वॉज न्यूट्रल, एक स्लाइट बियरिश फॉर्मेशंस, ज्यादा कॉल राइटिंग एज कम्पेयर टू ज्यादा पुट राइटिंग्स. ठीक है, राइट, एक बियरिश फॉर्मेशन, प्राइस वो 557, इट ड्रॉप डाउन टू 535. ओके, राइट, यहाँ पे कॉल राइटिंग ज्यादा थी ऑब्वियसली. ठीक है, 2.6 मिलियंस टू 0.9 मिलियंस, बट इसके बाद में कंसोलिडेशन आई मार्केट के अंदर में, प्राइस रिमेन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट 535 से 536 पे ही ड्रॉप रहा, ना ऊपर राइज किया ना नीचे गिरा. ठीक है, राइट, एंड ये एरिया तो पूरा कंसोलिडेशन स्ट्रक्चर है, ना ज्यादा कॉल राइटर्स ना ज्यादा पुट राइटर्स. ठीक है, तो पुट इसमें स्ट्रक्चरिंग यही रही एंड प्राइस भी ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहा, देर वॉज नो मेजर चेंज, देन एक्सपायरी केम इन टू एंड सब कुछ राइट कवर ऑफ हुआ. ठीक है, राइट, सो ओवरऑल अगर 20 डेज का सेशन देखते हैं तो 2.8 मिलियंस का कॉल सेलिंग, 1.7 मिलियंस का पुट सेलिंग और ट्रेंड भी डाउन था, तो ये ऑब्वियस था कि ज्यादा कॉल राइटिंग्स हुई होंगी उस डाउन ट्रेंड के अंदर में. ठीक है, बिकॉज जितने भी कॉल राइटर्स या स्ट्रक्चर्ड राइटर्स होते हैं, प्रोफेशनल राइटर्स होते हैं, दे फॉलो द ट्रेंड्स. ओके, राइट, बट ट्रेंड फॉलो करना और ट्रेंड चेंज में स्ट्रक्चर अप करना, दोनों के अंदर में ये इंपॉर्टेंट होता है. तो कॉल राइटिंग ज्यादा होने का मतलब अब इसमें ये नहीं है कि मार्केट्स विल बी डाउन 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 फॉर दिस थिंग. ओके, राइट, आपको चेंज भी देखना है कि उसमें क्या चेंज आया, जैसे उस स्ट्रक्चर के अंदर में क्या चेंज आया, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सो रीसेंट डेटा को भी स्टडी करेंगे इसके अंदर में. तो करेंटली अगर हम देखते हैं लास्ट 2 सेशन फॉर दिस थिंग, इट इज बिन बुलिश बिकॉज पुट और कॉल का जो चेंज है, राइट, दैट इज बिन बुलिश इटसेल्फ इन दैट केस. सिमिलरली 5, 5 to 10 सेशन जो था, उसमें जो पुट और कॉल का चेंज है, दैट इज बिन बुलिश एंड प्राइस चेंज वॉज ऑल्सो पॉजिटिव इटसेल्फ इन दोज टाइम. सो दिस इज रिजल्टिंग इन अ बुलिश फॉर्मेशन एज पर द ऑप्शन चेन इज बीन स्ट्रक्चर्ड. ठीक है, राइट, आगे फर्दर इसको देखते हैं किस तरीके से इसके फर्दर डेटाज में स्ट्रक्चरिंग्स हैं. जब भी आप लॉन्ग स्पैन में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, जैसे एक पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो, आपके लिए बिल्डअप्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है, राइट, शॉर्ट स्पैन के ट्रेड जैसे एक्सपायरी ट्रेडिंग्स हो गई, HFTs हो गई, उसके अंदर में बिल्डअप्स डोंट प्ले अ मेजर रोल. ठीक है, बट लॉन्ग फॉर्मेशंस में बिल्डअप्स एज वेल एज द OA परसेंटाइल, दे प्लेज अ वेरी मेजर रोल. ओके, राइट, तो अगर इस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं,
तो इस स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलेगा कि इवेंचुअली कुछ फॉर्मेशंस हैं, कुछ स्ट्रक्चरिंग्स हैं इसके अंदर में, जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ. ठीक है, राइट. सो लेट्स स्ट्रक्चर अप ऑन दिस थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सबसे पहले हमें क्या देखना है इसके अंदर में कि अभी स्ट्रक्चरिंग्स में हुआ क्या. प्राइस वॉज मूविंग डाउन. ठीक है, राइट. अलग अलग पॉइंट्स पे शॉर्ट बिल्डअप फॉर्मेशंस हो रही थी. जैसे इस पॉइंट पे काफी स्ट्रॉन्गली शॉर्ट बिल्डअप फॉर्मेशंस थी. ठीक है, अगेन प्राइस वॉज मूविंग डाउन. ठीक है, एक लेवल्स आए जब आपकी शॉर्ट कवरिंग होनी स्टार्ट हुई, विच वर दीज एरियाज एंड ऑल, जहां पे आपका शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुआ. ठीक है, अगेन मार्केट शॉर्टेड अप. ठीक है, बट इस बार का जो शॉर्ट फॉर्मेशन था वो डाइवर्जेंस में था. मतलब कि प्राइस इज मूव डाउन, बट इतने शॉर्ट प्लेयर्स नहीं थे, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइस वॉज ऑन अ लेसर स्केल इटसेल्फ इन दैट केस. और एक टर्निंग पॉइंट भी होता है. ठीक है, अब इस टर्निंग पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि सबसे पहले तो ये कर्व जो है ये थोड़ा स्लगिशनेस, जैसे ये कॉन्स्टेंटली डिप डाउन कर रहा है, ये डिप डाउन करता हुआ जो स्ट्रक्चर है ये फ्लैट हो जाए. ठीक है, ये कर्व फ्लैटन हो जाए. ठीक है, राइट. और उसके बाद में एक राइज स्टार्ट हो, जैसे यहाँ पे डाउन हो रहा है, फिर ये फ्लैट हो रहा है, एंड देन एक राइज स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, राइट. तो ये स्टार्ट हो. ठीक है, एंड इतना स्ट्रांग लॉन्ग बिल्डअप फॉर्मेशन इतनी जल्दी नहीं आता है. ठीक है, राइट. ओके, इट टेक्स टाइम. कभी कभी लॉन्ग फॉर्मेशन जल्दी आ जाएगा. ठीक है, राइट. बट इन सर्टेन सिनेरियोज एंड ऑल लॉन्ग फॉर्मेशन विल नॉट बी कमिंग इन प्ले ऑन अ वेरी अर्ली स्टेज. तो आपको उस समय क्या देखना होता है, बड़े बड़े शॉर्ट कवरिंग्स. ठीक है, राइट. इस पे आपका फोकस होना चाहिए. अगर बड़ा शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, लॉन्ग फॉर्मेशन विल नॉट कम ईजिली. राइट, जैसे अगर आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हो तो लॉन्ग फॉर्मेशन कहाँ पे आया, आपका इस जगह पे आया लॉन्ग फॉर्मेशन. ठीक है, तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. बट अगर इस स्ट्रक्चर को देख रहे हो तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आया एग्जैक्टली ऑन द लोएस्ट क्राइटेरिया, लोएस्ट पॉइंट इटसेल्फ इन दैट केस. सो दिस मेक्स इट द अर्ली एंट्री सिग्नल इटसेल्फ इन दैट केस. और ऐसा ही यहाँ पे अभी हमें देखने को मिल रहा है रिसेंटली, जब प्राइस हल्का सा राइज अप किया, सिमिलर टू दिस थिंग, जब प्राइस हल्का सा राइज अप किया था, एंड एक लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग फॉर्मेशन यहाँ पे है. दिस मेक्स इट अ स्ट्रॉन्गली बुलिश कैंडिडेट. अब इसको देखने का नजरिया होना चाहिए, राइट. दैट्स व्हाई व्हाट आई एम सेइंग इज ऑलवेज कि आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना है. जो बुकिश नॉलेज है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट. ओके, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट इटसेल्फ इन दैट केस. ठीक है, राइट. इसका आपको ध्यान रखना है. जैसे कि आप इसको देखो, the price was moving up. ठीक है, राइट. लॉन्ग फॉर्मेशंस थी, बट एक बहुत सॉलिड लॉन्ग कवरिंग यहाँ पे आई, तो उसके बाद प्राइस मूव डाउन. ठीक है, राइट. तो इन चीजों का आपको समझना है. ठीक है, एंड इस स्ट्रक्चर से हम ये लेके चलते हैं कि फ्यूचर ओआई बिल्डअप का जो ये स्ट्रक्चरिंग है उसके अंदर में दिस इज बुलिश फॉर अस. ओके, ओआई परसेंटाइल्स को देखते हैं. दे प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द प्राइस फैक्टर्स, प्राइस स्ट्रक्चरिंग्स एंड ऑल द स्टफ्स एंड ऑल. ओके, राइट. सो इसको हमें अच्छे तरीके से समझना होगा. ठीक है, अगर हम ओआई परसेंटाइल को लेके चलते हैं तो एज करेंटली प्राइस जो है वाइट लाइन इज कमिंग डाउन. ओके, राइट. ये अब यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन कर रहा है, रिसेंटली स्टार्टेड टू मूव अप. और कंपैरिजन अगर इसके अंदर में हम देखें तो ओआई परसेंटाइल इज मूविंग अप. ठीक है, राइट. बट अगर हम इस स्ट्रक्चर को यहाँ से देखते हैं, ठीक है, राइट. इस स्ट्रक्चर को अगर आप यहाँ से देखते हो, इस स्ट्रक्चर को अगर आप इस जगह से देखते हो, ठीक है, जिसमें कि प्राइस तो फ्लैटन हुआ है, बट ओआई परसेंटाइल हैज मूव्ड डाउन, राइट, फ्रॉम दिस एरिया टू दिस एरिया, राइट. ओके, सो दिस इज अ स्लाइटली बुलिश कैंडिडेट राइट नाउ. ठीक है, ओवरऑल स्ट्रक्चर को अगर आप देख रहे हो तो दैट इज लुकिंग लिटिल बियरिश. ठीक है, क्योंकि अगर आपका प्राइस नीचे जा रहा है एंड ओआई परसेंटाइल ऊपर जा रहा है तो दैट इज बियरिश. बट ट्रेंड चेंज जब भी होगा तो वो आपको स्लाइट इंडिकेशंस देगा. इतना स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ट्रेंड चेंज कभी नहीं देता है. गिव्स यू ओनली द स्लाइट इंडिकेशन जिसको आपको पकड़ना होगा, बिकॉज दे आर द एरियाज विद द हाईएस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज. सो दे आर ओनली फॉर द प्रो ट्रेडर्स इटसेल्फ इन दैट केस, राइट. ओके, सो दिस एरिया मेरे हिसाब से ये ओआई परसेंटाइल वॉज बियरिश फॉर नाउ टिल नाउ, एंड नाउ इट इज टर्निंग आउट टू बी अ बुलिश कैंडिडेट. सो मैं इसको बुलिश फॉर्मेशन में वर्कअप दूंगा अभी के लिए. एंड इस स्ट्रक्चर को मैं ये हमारे मैट्रिक्स स्कोर के अंदर में पॉइंट्स को ऐड करने के अंदर में बुलिश फॉर्मेशंस के अंदर में ऐड ऑन करेगा उन पॉइंट्स को. ठीक है, राइट. लेट्स मूव डाउन टू द मैक्स पेन स्ट्रक्चर्स एंड ऑल. मैक्स पेन इज सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ स्ट्रक्चरिंग्स नहीं है. ठीक है, राइट. इसको सिंपल फॉर्मेट्स में देखते हैं कि मैक्स पेन हैज बीन रिमेनिंग कॉन्स्टेंट टू द लेवल्स ऑफ अराउंड 540, और ये वही लेवल है जिसको हम ब्रीच करने की वेट भी कर रहे हैं अभी. एंड प्राइस इज कॉन्स्टेंटली मूविंग डाउन. ओके, सो इट्स फॉर्मिंग द बुलिश डाइवर्जेंस विद द मैक्स पेन. And this is bullish. For me, it is bullish. But ज़्यादा अच्छा होता कि अगर Max Payne ऊपर की तरफ rise कर चुका होता
एंड देन ये बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस होता, ठीक है, राइट। सो बट ऑब्वियसली ये स्टॉक्स हैं, ये इंडेक्स नहीं है, तो इसके अंदर में इतने फ्रीक्वेंट डेटा चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू द इंडेक्सेस एंड ऑल। ओके, सो मेरे हिसाब से अभी मैक्स पेन स्ट्रक्चरिंग इज बुलिश। अगर हम बाइंग रेंजेस देखते हैं तो दैट इज लाइक बिटवीन 532 टू 540, एंड अगर सेल रेंज देखते हैं तो 540 टू 547.5, प्रोवाइडेड जो एक हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है, जो स्ट्रॉन्ग एरिया है 540 का, वो ब्रेक करे एंड देन बाइंग रेंज के अंदर में प्राइस दोबारा डिप इन करे, देन वी आर गोइंग टू टेक अप द बाइंग एंट्रीज अलॉन्ग विद द 6 लाख फॉर्मेशंस टू मेक इट मोर सेफर। और अभी तक की हिस्ट्री यही बताती है कि जितनी बार भी स्विंग ट्रेड्स लिए, they have been like covered back in way way good profits and all. Last trade Adani NT ka bhi was ended up in very good profits and all, to uska analysis mein leke aaunga kaise uska, kyunki wo ek aisa drastic moment tha uske andar mein, counter ke andar mein, to wo adjustment series ke andar bhi usko hum leke aayenge to showcase ki kaise uske andar mein tradings hui, kya structurings thi, all will be brought down. But ye swing series isliye important hai ki hum ek view banana seekh rahe hain based on datas, नॉट जस्ट बेस्ड ऑन कि हमारा गट फीलिंग ये कह रहा है कि बाइंग है या सेलिंग है, राइट, बेस्ड ऑन डेटा, राइट। ओके, सेकेंडली उसको हम स्ट्रक्चर अप कर रहे हैं बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में, जिसमें जब जिस पॉइंट पे हम लोग एंटर अप करेंगे वो हमारी नीचे की डाउन साइड को कंप्लीटली प्रोटेक्ट कर देगा, अपर साइड को एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अंदर में लेके आएगा। तो इंस्ट्रूमेंट एंड व्यू, ये दोनों का कम्बिनेशन ही आपको एक रिटेल ट्रेडर से एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की तरफ में लेके जाएगा। तो इसको आपको अपने पास में कैरी अप करके चलना है एंड थिंक इन द सेम फॉर्मेट्स, जैसे आप एक कोई अगर बहुत बड़ा फंड लग रहा होता है तो ये सारे एनालिसिस होते हैं, राइट, बट अगर आप अपना फंड भी लगा रहे हो तो आपको ये एनालिसिस कर लोगे, देन इन दैट केस यू विल बी मोर स्ट्रॉन्गर इन मेकिंग अप योर व्यूज। ओके, राइट। सिमिलरली प्राइस टू पीसीआर फॉर्मेशंस, इसमें भी हमें क्लियर वेंचर्स दिख रहे हैं कि पीसीआर इज मूविंग अप, ओके, वेयर एज द प्राइस हैज मूव डाउन, सो इट हैज क्लियरली फ्रॉम द डायवर्जेंस ओवर हियर, राइट। ओके, so divergence formation hai which will give it the positive marks or the bullish marks itself in that case. Okay, and agar hum percentiles ko dekhte hain to obviously these are not the percentiles to sell options, these are the percentiles to buy ITMs and unko ek right format ke andar mein trade up karna taki hame uske andar mein credits mile, right, kyunki agar aapke IVs low hote hain to chances hote hain ki wo IVs badh jayenge, right. Okay, तो बढ़ते हुए आईवीज का मतलब होता है कि आपने अपने वेगा को पॉजिटिव रखना है ताकि जितना आईवी बढ़ेगा वो आपको बेनिफिट देके जाएगा। तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि हमेशा जब आईवी स्ट्रांग होते हैं तभी आप कमा सकते हो उसके अंदर में, राइट। आईवी स्ट्रांग है आप सेलिंग पे ज्यादा फोकस करो, वेगा को नेगेटिव रखो, आईवीज लेस है आप बाइंग पे ज्यादा फोकस करो, आईटीएम बाइंग पे, क्रेडिट्स को पॉजिटिव रखते हुए, इट इज ऑल अबाउट क्रेडिट्स एंड डेबिट्स, राइट, ठीक है, राइट। मतलब आपके पास में एक थीटा है कि आप थीटा दे रहे हो, तो इस बाइंग के साथ भी हम थीटा को ले सकते हैं, राइट, ठीक है। वो कैसे ले सकते हैं, वो जब हम ट्रेड फॉर्मेशंस करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड अबाउट दैट, ठीक है, जिसके अंदर में हम बाइंग भी करेंगे, अपने वेगा का पॉजिटिव भी रखेंगे, मतलब वेगा पॉजिटिव रख रहे हैं, थीटा भी हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा और वेगा भी हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा, ये तीनों ब्रदर्स को डेल्टा थीटा एंड वेगा अपने फेवर में ही रख के चलेंगे, ठीक है, राइट। तो वेगा पॉजिटिव कब रखना होता है, जब आईवीज कम होती हैं, ठीक है, ग्रीक्स फ्रीक्स कुछ भी फॉलो करने की जरूरत नहीं, आई एम जस्ट गिविंग यू द बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स, उसको समझ लो, बाकी थ्योरीज में मत जाओ, आप सिंपल समझो, आईवीज हाई है तो वेगा नेगेटिव रखो, आईवीज लेस है तो वेगा पॉजिटिव रखो अपनी पोजीशंस का, ठीक है, राइट। अब इनको चार्ट्स पे हम लेके चलते हैं, अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट्स, उससे पहले हम डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस और देख लेते हैं, प्राइस टू पीसीआर डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस, ऑब्वियसली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइस बीन कॉन्स्टेंट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड उसने अब एक स्लाइड डाउन लेने के बाद एक मूवमेंट लिया है ऊपर की तरफ में, बट पीसीआर इज कॉन्स्टेंटली बीन राइजिंग, सो दिस इज फॉर्मिंग लाइक अ बुलिश डाइवर्जेंस और बहुत जल्दी इसके अंदर में एक बुल मूवमेंट्स आ सकती है काउंटर के अंदर में, दिस इज व्हाट आई फील, ओके, राइट। बट इन द एंड हम ऑर्डर फ्लो एनालिसिस को साथ में यूज करेंगे टू स्नाइप द राइट एंट्रीज, ओके। लेट्स मूव टू द लाइक चार्टिंग पार्ट ऑफ दिस, ओके, टेक्निकल पार्ट ऑफ दिस। इसके अंदर में देखो एचटीएल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, हम उसको फॉलो करते आए हैं और फॉलो करते रहेंगे, ठीक है, राइट। इसके स्ट्रक्चर्स के हिसाब से अगर हम H1 डेटास पे देखते हैं, आर्ली चार्ट्स पे देखते हैं, ठीक है, प्राइस वाज कंसोलिडेटिंग, हमें पता है रिसेंटली एचटीएलबी हैज क्रॉस द प्रीवियस हाइज, तो एक बुलिश फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है, वी वेटिंग फॉर द राइट डेटास, राइट डेटास पे हम उसकी एंट्रीज करते हैं, तो इस समय डेटास हमारे फेवर में इस समय नहीं थे, ठीक है, राइट, तो हमने एंट्रीज के बारे में फोकस अभी नहीं वर्कअप किया, बट नाउ दिस इज अ टाइम जब इसने आईवीज ने ये एचटीएलबी ने अपने प्रीवियस हाइज को क्रॉसअप किया है,
price is below the HTLV lines, it's in the buying zones, right? ठीक है, डेटास का फेवरिंग लेते हुए राइट पॉइंट्स के ऊपर में हम लोग यहाँ पे एंट्री को प्लान अप कर सकते हैं फॉर द मेजर मूवमेंट इन द अपर डायरेक्शंस, ठीक है। और प्लानिंग्स हमारी इस तरीके से होंगे कि हम राइट पॉइंट्स पे एंटर अप करें, जो डेटास का मैंने अभी आपको डिस्कशन में वर्कअप बताया है उसको फॉलो करते हुए हम लोग अपनी एंट्रीज को प्रिसाइजली प्लान अप करेंगे एंड देन विल टेक अप द ट्रेड्स ओवर हियर। बट इस वीडियो से आपको क्या मिला, फर्स्ट ऑफ ऑल स्विंग वीडियो से वी अंडरस्टैंड कि हमें कॉन्सेप्ट्स को कैसे देखना है, राइट है। एक आइडिया मिल गया कि काउंटर इज इनिशियल पोजीशन, हमारा व्यू क्या रहेगा डाबर के अंदर में, व्हाट एग्जैक्टली विल बी आवर व्यू फॉर डाबर ओके ऑन द इनिशियल बेसिस। अगर वो व्यू सही रहता है वी आर गोइंग टू मेक एमिनेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, अगर वो व्यू चेंज होता है तो वी आर स्टिल गोइंग टू मेक एमिनेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स ओके। जैसे अदानी एएनटी में इनिशियल व्यू वाज बुलिश ओके, उसके बाद में हमने बियरिश एंट्रीज करी राइट ओके, सो वी मेक गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स बिकॉज एक किसी भी डायरेक्शन के अंदर में एक मेजर मूव आ जाएगा वी आर गोइंग टू मेक गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर कि जिस डायरेक्शन में भी होगा उस डायरेक्शन के अंदर में वी आर गोइंग टू, अगर वहां पे राइज आता है तो इट विल बी मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, अगर उसके अगेंस्ट में भी अगर एक मेजर ड्रॉप आएगा तो वी आर गोइंग टू अगेन मेक गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है राइट। और क्योंकि एडजस्टमेंट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वट एवर यूर प्लानिंग इन टू ओके राइट। सो फॉर अस डाबर विल बी अ बुलिश काउंटर एंड इसकी लेग फॉर्मेशन हम लोग करेंगे। टेक अवे यही है कि डेटास को अच्छे तरीके से स्टडी करो, उसके साथ में ऑर्डर फ्लो एनालिसिस एंड प्राइस एक्शंस को अपना एक कंपेनियन बनाओ अपनी उस स्ट्रक्चर को समझने के लिए, ठीक है राइट। एंड इस ट्रेड को स्ट्रक्चर करने के लिए वी आर गोइंग टू फॉर्म द सिक्स लेग ट्रेड्स ताकि सारा पोजीशंस हमारा रिस्क बिल्कुल कवर्ड रहे राइट ओके, एंड हमारे पास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:7 का रहे। ऑब्वियसली इसके अंदर में हम जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी उस पर करीबन 10% का ROI ऑन एवरेज जनरेट करेंगे, 10.39% ऑन एवरेज हम जनरेट करने वाले हैं। सो जस्ट कनेक्ट अप एंड टेक अप द ट्रेड इटसेल्फ इन दैट केस, वॉलंटियर एक्ट उससे पहले जरूर कर लेना। टेक केयर, पीस आउट, टेक केयर ऑफ हेल्थ, टेक केयर, बाय बाय।